हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास एंड यू वाचिंग मैचनर इम्पॉसिबल टेक। तो आज बहुत सारी टेक न्यूज आई है, उससे पहले आपको हमारा ये बैकग्राउंड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपका इंतजार खत्म करते हुए टेक न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओप्पो की तरफ से बड़ी खबर, ओप्पो एक न्यू बजट स्मार्टफोन ओप्पो A15 बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च करने वाला है। यह फोन बिल्कुल realme नार्जो 20 के जैसा लग रहा है। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा, रियर माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर, 4100 mAh की बैटरी विथ 10 वॉट का फास्ट चार्जर साथ में देखने को मिलेगा। ओप्पो बहुत दिन बाद अपना एक बजट स्मार्टफोन निकालने वाला है, ये एक अच्छी बात है। वीवो बहुत जल्द 7 अक्टूबर को एक न्यू स्मार्टफोन वीवो X60 चाइना में लॉन्च करने वाला है और यह फोन आपको चाइना के रिटेल स्टोर में भी देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको क्वालकम 765G का प्रोसेसर और 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वही एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड रहेगा। मैंने बताया था पोको अपना एक न्यू स्मार्टफोन पोको C3 बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है, तो वो आज लॉन्च हो गया है। वैसे गाइज, इस फोन में आपको मीडियाटेक हीरो G35 का चिपसेट और ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, 13 MP ऑफ मेन कैमरा, 2 MP ऑफ मैक्रो एंड 2 MP ऑफ डेप्थ। वैसे 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज का प्राइस 7,499 है, जबकि 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज का प्राइस लगभग 8,999 है। पोको C3 का फुल डिटेलिंग वाला वीडियो आपको इस चैनल में जरूर मिल जाएगा, तो जरूर जाके देखिएगा। आज उस ROG फोन 3 अब US में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज ही वहाँ लॉन्च हो चुके हैं एक न्यू वर्जन के साथ। अब इस फोन में आपको 2GB रैम प्लस 512GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। US में इस फोन की प्राइस लगभग 73,000 होगा। वीवो की तरफ से एक अच्छी खबर, वीवो बहुत जल्द अपना न्यू स्मार्टफोन वीवो v20 इंडिया में 13 अक्टूबर को लॉन्च करने वाला है। तो इस फोन में आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर विथ एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा और इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले भी देखने को मिलेंगे। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, 64 MP प्राइमरी कैमरा, 8 MP फ्रंट वाइड एंगल कैमरा, 2 MP डेप्थ कैमरा एंड 44 MP का सेल्फी कैमरा, साथ ही 4000 mAh की बैटरी विथ 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद कूलपैड अपने एक न्यू स्मार्टफोन cool12A बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। यह एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होने वाला है और इसमें आपको क्वाड कोर CPU, 4000 mAh की बैटरी, 6.3 इंच के LCD डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा ऑफ 16 MP ऑफ मेन शूटर एंड 2 MP ऑफ डेप्थ देखने को मिलेंगे, बट इसमें फिंगरप्रिंट नहीं होंगे और इसमें आपको 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस लगभग 6,000 होगा। अभी अभी सबसे बड़ी खबर क्वालकम के तरफ से आ रही है कि क्वालकम अपना एक न्यू चिपसेट स्नैपड्रैगन 875 बहुत जल्द 1 दिसंबर को लॉन्च करने वाला है और यह भी कहा जा रहा है कि इस चिपसेट पर पहला स्मार्टफोन सोमी की तरफ से होगा और एक अपर मिड रेंज का चिपसेट स्नैपड्रैगन 775G बहुत जल्द क्वालकम की तरफ से देखने को मिलेंगे, जो कि 5 नैनोमीटर पर वर्क करता है। इट्स गजब, मतलब आपको बहुत जल्द एक ऐसा चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5 नैनोमीटर पर वर्क करता है। ये सच में एक बहुत ही गुड न्यूज है। सैमसंग की तरफ से एक अच्छी खबर, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE बहुत जल्द इंडिया में आ रहा है, वो भी 16 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएंगे। यह फोन इंडिया में तो लॉन्च हो रहा है पर इसमें आपको 5G का नेटवर्क देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको एक्सोनस 990 का चिपसेट देखने को मिलेगा। हमने इस फोन का रिव्यू किया है तो आप जाके देख सकते हैं। रुके रुके, मैं आई बटन दे देता हूँ, आप जाके जरूर देखेगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद। लास्ट टेक्नोलॉजी वन प्लस की तरफ से, यह रूमर सामने आ रही है कि OnePlus 80, OnePlus Nord N10, OnePlus Nord N100 बहुत जल्द अक्टूबर और मतलब दिवाली से पहले ही लॉन्च हो जाएंगे। और हाँ, अभी ये फिक्स नहीं हुआ, ये सिर्फ एक रूमर्स है। तो आज की टेक्नोलॉज होती है समाप्त। आपको हमारा टेक्नोलॉज कैसा लगा और कौन सा न्यूज सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सेफ।